हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की हरियाणा बचाओ परिवर्तन लाओ साइकिल यात्रा आज रादौर पहुंची। यहां पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में तंवर ने आज हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को दिशाहीन बताया। बजट तो देखिए, 5 बजट केंद्र की सरकार के आगे, 4 बजट प्रदेश की सरकार ने दे दिए हैं, तो कोई राहत मिलने की उम्मीद लगता नहीं कि अब वर्तमान सरकार से है। और इसलिए ये भी आखिर जो बजट इनका है वो भी मुझे लगता है कि दिशाहीन साबित होगा। बाकी बजट देखने के बाद ही मैं बोलूँगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई नया कर नहीं लगाया, लेकिन कोई राहत भी नहीं दी है। और जो कर पहले ही इतने कर लगा दिए इन्होंने, GST 28% तक लगा दिया, तो इससे बड़ा कर और क्या चाहते हैं ये, और लूटेंगे क्या। वहीं देश भर में मूर्तियों को खंडित किए जाने की घटनाओं के प्रश्न के जवाब में तंवर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नहीं, BJP तो हमेशा जो है समाज को विभाजित करने में विश्वास रखती है। पहली बार सत्ता में आए और इन्होंने वहाँ पर लेनिन की मूर्ति, लेनिन एक प्रतीक है क्रांति के, ठीक है वो कई दूसरे देशों में पैदा हुए, लेकिन अगर एक सोच और विचारधारा उनकी है, और मैं समझता हूँ कि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अच्छी है, जो समाज में खून खराबा करवाती है, जो प्रतिशोध की भावना पैदा करती है, जो छदम देशभक्ति और राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित है। इसलिए मूर्ति तोड़ना किसी भी की भी, चाहे वो लेनिन हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे किसी की और, हम देखते हैं जगह जगह प्रतिमाएं खंडित होती हैं, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और जिन लोगों के ऊपर लोगों की आस्था विश्वास हो और जिन्होंने मुल्क के लिए दुनिया के लिए बहुत बड़े काम किए हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तमिलनाडु में कहा कि हम पेरियार की भी मूर्ति तोड़ेंगे। तो पेरियार तो बाबा साहब अम्बेडकर के और बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं उनके प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा मूर्तियों को खंडित मामले में ठोस कार्यवाही न किए जाने से यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनावा। हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर पाएं हर खबर अपने मोबाइल पर।